के क्लासेस शुरू करने के पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज या इन्फॉर्मेशन ये जानना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे कि अदर सब्जेक्टेड की क्लासेस कब चलेंगी। तो मैंने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था कि हर एक टॉपिक के बाद दूसरे सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक शुरू होगा। जैसे आज इंग्लिश प्रीपोजिशन का आज का एक टॉपिक, आज एक चैप्टर कंप्लीट होगा, तो कल की जो क्लास होगी वो मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप पहले कौन सा चैप्टर मैथ का पढ़ना चाहते हैं, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे और साथ ही साथ जो नवोदय में जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं क्लास। और मेरे योद्धाओं कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 की। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन का पार्ट 4। इसके पहले मैंने पार्ट 3 कितने तीन पार्ट हाँ तो मैंने थ्री पार्ट पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर से देख लीजिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। और गारंटी है कि अगर आप पूरे इस सीरीज को देख लेंगे तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में। आज ये फाइनल चैप्टर है, आज का ये फाइनल क्लास है, आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो इसलिए तीनों क्लास पहले वाली देख लीजिए और इस क्लास को देख, वैसे सीक्वेंस कोई भी रख सकते हैं, कोई एक दूसरे से लेट नहीं करते, लेकिन इस क्लास के बाद उन तीनों क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और बाकी तो काम आपको पता ही है, हमारा चैनल कौन सा एसजी कॉन्सेप्ट, ये आपका अपना चैनल जिसमें हमारा टारगेट वी मेक नवोदियंस, कि हम क्या करते हैं नवोदियन बनाते हैं, नवोदय के स्टूडेंट्स हम तैयार करते हैं। तो इसलिए चैनल आपका है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी इसे एक इंडिया का फ्री उम्मीद करता हूं आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलो फिर देखते हैं हम आज का बेहतरीन क्लास, आज की प्रीपोजिशन जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इनका यूज जानना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश बोलते समय हम काफी सारी गलतियां करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है टू। टू का हम कई जगह पर हम टू का यूज करते हैं। तो टू क्या होता है? टू का यूज होता है जब हमें किसी जगह की डेस्टिनेशन बतानी हो। ठीक, डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन क्या होता है? जैसे हमें कहीं का लक्ष्य पता हो, लक्ष्य। जैसे अगर मान लो कि हम स्कूल जाते हैं, मैं क्या बोलता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो वहां पर मैं क्या लिखूंगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसका मतलब क्या, देखो ये जो हमारा स्कूल वर्ड है ये हमारे लिए पहले से ही फिक्स डेस्टिनेशन था कि मुझे यहां तक जाना है, तो इसलिए हमने इसके पहले टू प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो याद रखिएगा, जब भी हमें लक्ष्य बताना होगा यानी हमें हमारा कंफर्म डेस्टिनेशन पता होगा तभी हम वहां पर टू का यूज करेंगे। क्लियर है बात इतनी? सभी को बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स का मतलब भी सेम यही होता है, लेकिन यहां पर डेस्टिनेशन नहीं हमें बताना होता है डायरेक्शन। क्या बताना होता है? डायरेक्शन मतलब हमें सीधी सी चीज है कि हम जिधर हम जा रहे हैं उधर की हमें एक दिशा बतानी है, वहां का हमें एक डायरेक्शन बताना है। क्लियर है बात इतनी? नहीं समझ में आया तो सुनो, अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, ठीक, तो इसका क्या मतलब, इसमें क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो टू का मतलब ये हो जाएगा कि मुझे स्कूल ही जाना है, चाहे मैं पढ़ने जा रहा हूं या मैं पढ़ाने जा रहा हूं या मैं पीटीएम में जा रहा हूं, किसी भी पर्पज से एडमिशन कराने जा रहा हूं, तो यहां मेरे पास पर्पज है कि मैं स्कूल ही जा रहा हूं, तो वहां पर मैंने टू का यूज किया। लेकिन जब मैंने यूज कर दिया आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, यहां पर ये क्लियर नहीं है। स्कूल की ओर मान लेते हैं वहां पर किसी समोसे या कचौड़ी की दुकान है, बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं स्कूल की ओर जाऊंगा, वहां पर वो दुकान पड़ेगी और वहां से मैं वो चीज बाय करूंगा, परचेज करूंगा। क्लियर भी बात इतनी? तो टूवर्ड का मतलब, टूवर्ड्स का मतलब क्या हो जाता है कि मुझे उस डायरेक्शन यानी कि उस दिशा के बारे में बताना होगा। बताओ बात समझ में आई सभी लोग? अगर बात समझ में आई तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, सभी लोग लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हमारी टू और टूवर्ड्स में। मैं ज्यादा आपको
एग्जाम्पल्स देके कंफ्यूज नहीं करूंगा, केवल उतनी ही चीजें मैं आपको बता रहा हूं जितने में आपके क्वेश्चन सही हो जाएं। क्लियर है बात इतनी? चलो अगली चीज पे आते हैं, अक्रॉस। देखो अक्रॉस का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी चीज का एक्सपेंशन बताना होता है, क्या होता है बच्चा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, है ना, हिंदी के हिसाब से भी समझ लो, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। अगर हमें किसी चीज के फैलाव को बताना है तब मैं वहां पर एक्सपेंशन वर्ड, अक्रॉस वर्ड का यूज करूंगा। जैसे जैसे अगर मैं कहूं कि उनका बिजनेस पूरे भारत में फैला है, तो मैं बोलूंगा डियर बिजनेस, डियर बिजनेस की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ठीक है, डियर बिजनेस, बी यू एस आई, सॉरी बी यू एस आई एन ई डबल एस, इज स्प्रेड, एस पी आर ई ए डी, स्प्रेड, कहां? पूरे भारत में। तो मैंने क्या कर दिया? अक्रॉस का यूज, अक्रॉस द कंट्री। बताओ बात आई समझ में? बात आ रही समझ में? यहां पर क्या है कि जब भी हम अक्रॉस का यूज करेंगे तो वहां पर हमें उस क्षेत्र के बारे में, उस एरिया के बारे में, कि पूरे एरिया जहां तक वो फैला हुआ है, अगर हमें ये बताना है, तो मैं वहां पर अक्रॉस जैसे वर्ड का, प्रीपोजिशन का यूज करूंगा। डियर बिजनेस इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, मतलब उनका व्यापार, उनका बिजनेस पूरे भारत में या पूरे देश में फैला हुआ है, अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। तो मतलब ज्यादा विस्तार है देश में, इनका बिजनेस ज्यादा फैला हुआ है। बताओ इतनी चीज समझ में आ गई? इतनी चीज, चलो फिर अब हम आगे देखते हैं। अब देखो जो अगला प्रीपोजिशन है वो है बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। तो बिहाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी के हिसाब से हम जानते हैं कि बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, क्या होता है? बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। तो इसका मतलब होता है कि एट द बैक समथिंग, एट द बैक समथिंग या समवन, अगर कोई चीज किसी चीज के पीछे है तब हम वहां पर बिहाइंड का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं कि आई सॉ अ स्नेक बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, कहां देखा? दरवाजे के पीछे देखा। तो यानी वो सांप कहां पर था? दरवाजे के पीछे था। तो इसलिए हमने द डोर के पहले बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज किया, ठीक। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि समवन, समवन इज बिहाइंड द ट्री, समवन इज बिहाइंड द ट्री, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पेड़ के पीछे है, कोई पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। तो मैं वहां पर क्या कहूंगा कि कोई, मुझे नहीं पता कौन है ना, लेकिन मैं ये जानता हूं कि पेड़ के पीछे है, तो मैं वहां पर द ट्री के पहले किसका यूज करूंगा? बिहाइंड प्रीपोजिशन का। क्लियर है बात इतनी? तो यानी अगर किसी चीज के पीछे कुछ बताना होगा तो हम वहां पर, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई पर्सन हो, तो हम वहां पर हमेशा किसका यूज करेंगे? बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्लियर है बात इतनी? चलो इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है एट द फेस समथिंग, मतलब सामने की ओर, ठीक है, सामने की ओर। अगर कोई चीज मुझे सामने की ओर की मीनिंग में बतानी होती है तब हम वहां पर इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। जब कोई चीज हमें सामने की मीनिंग में बोलनी होती है तो उस नाउन या प्रोनाउन के पहले हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब इसके देखो यहां पर क्या है कि देयर इज अ टेम्पल, एक टेम्पल है, एक मंदिर है, कहां पर है? इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अगर ये लिखा गया ना इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इसका मतलब हो गया मेरे घर के बिल्कुल सामने। जैसे मेरे घर का दरवाजा ये है, सामने रोड है, और रोड के बिल्कुल इस पार सामने पे मेरे क्या है? एक टेम्पल है। तो मैं क्या बोलूंगा? इन फ्रंट ऑफ। जैसे अभी आप और मैं एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, तो हम एक दूसरे के क्या हैं? इन फ्रंट ऑफ।
बताओ बात इतनी क्लियर हुई, सभी को इतनी चीजें समझ में आ रही। तो बिहाइंड का मतलब किसी चीज के पीछे कोई चीज, और इन फ्रंट का मतलब किसी चीज के बिल्कुल सामने, वहां पर इन फ्रंट का यूज करेंगे। क्लियर है बात इतनी? चलो अरे अब तो लाइक कर दो वीडियो, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है बिटवीन एंड अमंग। इन दोनों का क्या मतलब होता है? बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है के बीच में। क्या होता है? के बीच में। अगर किसी चीज के बीच में कोई चीज है तब हम वहां पर या तो बिटवीन का यूज करते हैं या तो अमंग का यूज करते हैं। तो यानी दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग होती है बच्चा बीच में। बताओ बात ये समझ में आई दोनों? अब हमें यूज देखना है। देखो अगर कोई चीज, अगर कोई चीज दो चीजों के बीच में, जैसे ये मान लो कि हमारे पास एक स्क्वायर है, बीच में एक सर्कल है और यहां पर एक स्क्वायर है, तो यहां पर अगर देखोगे तो अ बॉल या अ सर्कल इज बिटवीन द स्क्वायर्स। क्या बोलेंगे? बिटवीन द स्क्वायर्स, कि दो स्क्वायर के बीच में क्या है? हमारा एक सर्कल है। तो अगर दो चीजों के बीच में अगर हमें कोई चीज बतानी है तो उनके बीच हम बिटवीन का यूज करेंगे। क्लियर है बात इतनी? चलो तो हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे अगर हमें यह कहना हो कि राम इज सिटिंग, लिख देते हैं ना वर्ब का यूज, राम इज सिटिंग बिटवीन लक्ष्मण एंड भरत। ठीक, राम जो है वो लक्ष्मण और भरत के बीच में। तो यहां पर देखो दो लोग है ना, लक्ष्मण और भरत, इन दोनों के बीच में कौन है? राम है। तो इसलिए दो लोगों के बीच के लिए हम किसका यूज करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे। बस इतनी सी चीज है बिटवीन का यूज। अब हम आते हैं अमंग पे। अमंग का मतलब भी होता है बीच में, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है जब दो से ज्यादा चीजों के बीच में हो तब हम वहां पर अमंग का यूज करते हैं। बात आई समझ में? दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो तो अब हम वहां पर अमंग के बीच में का यूज करते हैं, दो से ज्यादा। ठीक, जैसे अगर मैं ये कहूं कि सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल। क्या है? सीता इज द टॉलेस्ट बिटवीन ऑल गर्ल्स। अब इसका मतलब क्या है कि सभी लड़कियों के बीच में सीता क्या है? सबसे लंबी है। तो मैं दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात बता रहा हूं तो वहां पर हमेशा किसका यूज करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे। सही है? अरे नहीं, बिटवीन का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? जब दो से ज्यादा होते हैं तब वहां पर अमंग का यूज होता है। भैया पूरी कंसेंट्रेशन के साथ वीडियो देखा करो, पूरे कंसेंट्रेशन के साथ क्लास लो। अगर गलती हो जाए तो ये बताया जरूर करो कि ये आपकी गलती है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? सीता इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल गर्ल्स, मतलब सीता जो है वो सभी लड़कियों के बीच में सबसे लंबी है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अगर बिटवीन का यूज करना है तो अगर कोई चीज दो चीजों के बीच में हो, अगर कोई चीज दो चीजों के बीच में हो तब वहां पर बिटवीन का यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज दो से ज्यादा चीजों के बीच में हो तब हम वहां पर हमेशा अमंग का यूज करते हैं। क्लियर है बात इतनी? चलो आगे देखते हैं। अगला जो प्रीपोजिशन है वो है फॉर और विद। फॉर का यूज अगर हम मीनिंग के हिसाब से देखें तो फॉर का यूज के लिए की मीनिंग में होता है, और साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि और हम इनका यूज कहाँ कर सकते हैं। अगर हमें किसी पर्पस को बताना हो, ठीक है, पर्पस या फिर रीजन, तो हम उसके पहले किसका यूज करेंगे? फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली या दिल्ली फॉर एग्जाम्स, ठीक, फॉर एग्जाम्स। यहां पर देखो क्या है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और उसका दिल्ली जाने का पर्पस क्या है? एग्जाम है। तो एग्जाम के पहले मैंने फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो जब भी कोई पर्पस बताना हो, जैसे अगर मैं ये कहूं
कि दीज क्लासेस आर ओनली फॉर यू। अब ये क्लासेस जो हैं, ये केवल और केवल आपके लिए हैं। तो इस क्लास का उद्देश्य कौन है? आप हो। तो इसलिए मैंने यहां पर फॉर का यूज किया है। तो यहां पर के लिए या फिर के लिए की भी मीनिंग में आ रहा है, और पर्पस और रीजन अगर बताना हो तो भी हम वहां पर फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। अब विद का मतलब क्या होता है? विद की हिंदी अगर हम जाने तो विद की हिंदी होती है के साथ, ठीक, के साथ। अगर मैं ये कहूं कि मैं दिल्ली राम के साथ जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा I am going to दिल्ली विद राम, या विद माय पेरेंट्स, या विद माय अंकल। तो यहां पर के साथ की मीनिंग में हम हमेशा विद का यूज करते हैं। दूसरी चीज, विद का यूज और भी कर सकते हैं। विद का यूज कहां पर करते हैं? जब हमें कोई टूल्स के साथ हमें कोई रिलेशन बताना हो, किसी औजार के साथ, किसी मशीन के साथ अगर हमें यूज बताना होता है, तो वहां पर ये हमेशा लिख देते हैं, चलो विद टूल्स, यानी कोई भी अगर मशीन आती है तो वहां पर विद का यूज करोगे। जैसे अगर मैं ये कहूं कि she cut clothes with scissors, ठीक। अब यहां पर सीजर्स देखो क्या है, सीजर्स एक टूल है, सीजर्स एक मशीन है, एक यंत्र है। तो उसके पहले मैंने किसका यूज किया? विद का यूज किया। जैसे मैं अगर ये लिखूं कि आई एम राइटिंग विद अ मार्कर, तो यहां पर देखो मार्कर क्या है, ये लिखने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। तो इसलिए मैंने इसके साथ विद प्रीपोजिशन का यूज किया। तो ये हमारी प्रीपोजिशन की क्लास हो गई कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे संडे को, तो संडे तक ज्यादा से ज्यादा लोग अवेलेबल रहिएगा, ठीक। क्लास की टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, और अगर आपको अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए या कोई भी अपडेट आए जिसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस बिल्कुल समझ में आई होंगी, अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।